वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम तरबूज के छिलके से बहुत ही आसान रेसिपी बनाएंगे जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। हाँ, मैं टूटी फ्रूटी की बात कर रही हूँ। जो छिलके हम तरबूज के फेंक देते हैं उन्हीं को हम यूज़ में लेके आज हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल की टूटी फ्रूटी बनाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं। अब जो छिलके का जो रेड वाला पार्ट है ना, ये हमें हटाना है, ये देखिए। और जो पीछे वाला जो पोर्शन है ये भी हमें हटाना है, बस अभी बीच का ही रखना है। तो नाइफ की मदद से इस तरह हम इसको हटा देते हैं। ये देखिए, इस तरह हमें इसको हटाना है। और जो पीछे का भी है वो भी हम हटा देंगे। ये देखिए, इस तरह हम इसको पूरा हटा देते हैं। अब जो ये वाला पार्ट बचा है इसके हमें बारीक बारीक कट करने हैं। इस तरह हमें इसके देखिए बारीक बारीक जो है पीसेस करने हैं। सभी को हम इस तरह पतला पतला कर लेते हैं, फिर एक साथ ही हम इसके पीसेस करेंगे। अब हम कट करेंगे, ऐसा करने से जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह हमें सभी को कट करना है। ये देखिए, इस तरह हमने सभी को कट कर लिया है। अब इन्हें हम पानी में उबालेंगे। तो चलिए पहले पानी हम गरम कर लेते हैं। तो पानी अच्छा गरम हो गया है तो छिलके अब हम इसमें डालेंगे। बड़ी सावधानी से हमें इसको डालना है क्योंकि पानी बहुत तेज गरम है। इस तरह सभी हम इसमें डाल देते हैं। जब तक अच्छी उकाली नहीं आ जाती है तब तक गैस की फ्लेम को हमें फुली रखना है और फुल फ्लेम पे ही हमें इसको पकने देना है। तो मैंने यहाँ पर 400 ग्राम तरबूज के छिलके लिए थे जिसमें हमें 1 लीटर पानी हमने गरम किया था इनको उबालने के लिए। ये उबलते हैं जब तक उधर हम शक्कर का पानी भी चढ़ा देते हैं। तो गैस पे मैंने शक्कर रख दी है। 2 कप हमने यहाँ पर शक्कर ली है। जितनी शक्कर लेंगे उसका आधा हमें पानी लेना है। तो इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी ऐड करूंगी। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर फुल कर दिया है। अच्छी उकाली आने पे हमें गैस की फ्लेम को कम करना है और बीच में हम एक बार चला भी देंगे ताकि जो शक्कर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो शक्कर को हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। तरबूज के छिलके भी जो है आप देखिए उबलने लग गए हैं। तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं और कम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। ये देखिए, छिलके जो है हमारे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इस तरह हमें इसको रखना है। तो गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और छिलकों को हम निकाल लेंगे। इस तरह पानी से निकालते हुए हमें इसको निकालना है। पानी इसी में रखे रखना है। इस तरह देखिए सारा पानी जो हम निकाल लेंगे। ऐसा करने से क्या है कि पानी जो है बिल्कुल रहेगा नहीं और सारा निकल जाएगा, ताकि शुगर सिरप जो है हमारा बिल्कुल सही रहे। ये देखिए, तो जो शक्कर का पानी हमने बनाया था उसी में हम इसको डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हम फुल ही रखेंगे जब तक एक उकाली नहीं आ जाती है। तो सभी को मैंने इसमें डाल दिया है। एक बार हम इसको हिला लेते हैं। उकाली भी आ गई है तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं और कम फ्लेम पे ही हमें इसको 8 से 10 मिनट तक पकाना है, ताकि शक्कर जो है अच्छी तरह से छिलके के अंदर तक चली जाए। तो ये देखिए, अच्छी तरह से जो है शुगर सिरप जो है इनके अंदर चला गया है। तो गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगा है मुझे इसको पकाने में। शुगर सिरप जो हमारा ठंडा हो गया है तो इसमें आप चाहे तो वेनिला एसेंस डाल सकते हैं या फिर गुलाब जल की कुछ ड्रॉप्स आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि खुशबू जो है अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। एक बार मिक्स कर लेंगे डाल के। अब हमें शुगर सिरप के साथ ही हमें इसको बाउल्स में डालना है। आप कितनी भी कटोरों में डाल सकते हैं। कौन सा कलर आप करना चाहते हैं, आपके पास कौन सा कलर है तो उस हिसाब से आप डाल दें। 4 बाउल में हमने इसको डाल दिया है। फूड कलर तो सभी के पास मिल जाते हैं, तो मेरे यहाँ पे है ग्रीन, तो ग्रीन वाला फूड कलर पहले मैं डालती हूँ। 1 बाउल में मैंने ग्रीन वाला फूड कलर डाल दिया है। अब ये मेरे पास रेड कलर का फूड कलर है, ये भी मैं डाल दूंगी। ये मेरे पास ऑरेंज कलर का फूड कलर है, ये भी हम डाल देते हैं। ये मेरे पास येलो कलर का फूड कलर है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम सभी को मिक्स कर लेते हैं। सभी
सभी पे कलर की कोट हो गई है, तो 7 से 8 घंटे के लिए हमें इसको ऐसे ही रहने देना है ताकि कलर जो है अच्छी तरह से लग जाए। 7 से 8 घंटे हो गए हैं तो बहुत ही अच्छी हमारी टूटी फ्रूटी, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, हमारी टूटी फ्रूटी कितनी अच्छी बनी है। तो इसका जो है हमें ये शुगर सिरप निकालना है। तो इस तरह की मैंने एक छलनी ली है, छलनी में हम टूटी फ्रूटी डालेंगे ताकि शुगर सिरप जो है नीचे की ओर आ जाए। इस तरह हमें पूरी जो है टूटी फ्रूटी इसमें से निकाल लेनी है। बहुत ही अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं। मैंने इस तरह की जाली ली है, दूध पे लगाते हैं ना वो वाली जाली है, उस पर हम टूटी फ्रूटी को रख देंगे, उस पर हम फैला देंगे, जिससे क्या है यदि कोई पानी इसका रेशा रह भी गया ना तो पूरा नीचे की ओर निकल जाएगा और टूटी फ्रूटी जो अच्छी तरह से हमारी सूख जाएगी। इस तरह जो है दूसरा भी निकाल लेते हैं, सभी को हमें इसी तरह निकालना है। इस तरह सभी को मैंने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। दूध पे ढकने की जाली आती है उस पर हमने टूटी फ्रूटी रख दी है, नीचे मैंने एक बर्तन रख दिया है ताकि जो है शुगर सिरप जो एक्स्ट्रा होगा ना वो नीचे से निकल जाएगा। जब भी अच्छी तरह से सूख जाएगी तो हमारे खाने योग्य हो जाएगी। अभी जो है हमारी टूटी फ्रूटी जो है बहुत चिपचिपी लग रही है क्योंकि अभी जो है गीली है, लेकिन जब इसे हम सुखाएंगे ना तो बिल्कुल जो है सूखी सूखी और खुली खुली बन जाएगी। तो चलिए इसे अब हम सुखा देते हैं। टूटी फ्रूटी को हमने सुखा लिया है, इसको सुखाने में हमें 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। जब अच्छी तरह से सूख जाती है तो बिल्कुल जो है इसके अलग अलग पीसेस जो है हमें नज़र आते हैं। इसका जो पानी बचा है ना उसको हमें फेंकना नहीं है, उससे हम टमाटर की चटनी और इमली की चटनी में काम में लेंगे। टूटी फ्रूटी को हम कुकीज़, कस्टर्ड और आइसक्रीम केक में भी हम इसको काम में ले सकते हैं। इसे एयरटाइट कंटेनर में भर कर फ्रिज में रख दें तो जो है ये काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होती है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।